एक इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल हो कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत कहते कि दुख होता हमें, बहुत गुस्सा भी आता इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता, अपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है, बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो कहते कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन, जस्ट वेट एंड।